हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक ये स्टेबलाइजर है वी गार्ड का, जिसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें फॉल्ट आ रही है तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो स्टेबलाइजर है, ये स्टेबलाइजर जनरली हमारे फ्रिज के लिए यूज किया जाता है और वी गार्ड का स्टेबलाइजर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और ये मेरा सीरीज लाइन है, जहां पे सीरीज लाइन में हम इसको चेक करेंगे तो ये कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें स्टेबलाइजर को कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का स्टेबलाइजर है और इसमें थोड़ा सा ट्रिकल हो जाता है क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है। तब ऐसी कंडीशन में हमको रिपेयर करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। और ज्यादातर फॉल्ट जो आती है इस स्टेबलाइजर में यही आती है कि ये बिल्कुल डेड हो जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे ये स्क्रूज लगे हुए हैं, तीन स्ट्रप और तीन स्ट्रप, इनको हमें ओपन करना है। तो इनको हम खोल लेते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल हो, तो इसको लाइक जरूर करिए। क्या होता है कि लाइक करने से वीडियो जो है वो कई लोगों के पास पहुंचता है और उससे जो जानकारी होती है, अगर अच्छी जानकारी है, अगर आपको वो हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, तो वो कई लोगों के पास जाएगा तो सभी को उस चीज के बारे में जानकारी हो जाती है। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो हमको नहीं पता होती है, तो वो अगर सभी को अगर जानकारी हो उसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये स्क्रूज जो है इसके मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसका जो ऊपर का पैनल है ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा स्टेबलाइजर। यहाँ पे ये इस तरीके का है स्टेबलाइजर, और इसमें डिले टाइमर का फंक्शन भी है। यहाँ पे ये किट लगी है, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है बिल्कुल डेड कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन में जब स्टेबलाइजर होता है तो इसको हम लोग क्या इसमें देखेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल स्टेबलाइजर आते हैं वहां पे उसमें फ्यूज वगैरह दिया होता है, फ्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टेबलाइजर में आपको कहीं पे आप देख पा रहे होंगे, कोई भी जगह आपको नहीं दिख रहा होगा कि फ्यूज कहीं लगा हुआ है जिसको हम रिप्लेस करें। और जब डेड कंडीशन होती है तो या तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बर्न हो जाता है, या तो फिर उसमें कहीं पे फ्यूज अगर लगा है तो फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि बाहर भी कोई फ्यूज वगैरह नहीं दिख रहा है आपको। मैं दिखा देता हूं, आप नीचे भी देख सकते हैं, यहां पे भी कोई फ्यूज नहीं लगा है। तो अंदर से भी आपको दिखा देता हूं कि अंदर भी आपको कहीं कोई फ्यूज दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? तो आप यहां पे देखेंगे कि स्टेबलाइजर जो है इसका ट्रांसफार्मर है, यहां पे कुछ वायर्स दिए हुए हैं और ये दो वायर्स यहां पे दिए हुए हैं। तो ये जो दो वायर्स हैं, ये दो वायर्स यहां स्टेबलाइजर में अंदर गए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको बाहर निकाल लेना है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें ताकत लगाएंगे तो ये ऐसे बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकल आएगा आप यहां पे देखेंगे कि ये दो पत्तियां दी हुई हैं और इस ये एक सोल्डर है जिससे ये चिपकी रहती हैं। अब क्या है कि यहां पे यही कट ऑफ का काम करता है, यानी ये फ्यूज का काम करता है। इसमें जो सोल्डर दिया है इसका मेल्टिंग प्वाइंट जो होता है, माने गलनांक जो है, गलने का टेम्परेचर, ये बहुत कम होता है टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर में गल जाता है। तो ये जो है इसको आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ये सोल्डर तो मिलेगा नहीं जो कम मेल्टिंग प्वाइंट का है, तो इसमें जो ये सोल्डर लगा इसी को आप हीट करके आप इसको जोड़ देंगे तो ये काम करेगा। इसमें बस आपको ध्यान देना कि आपको जब ये हीट करके जोड़ना है उस समय आप बिल्कुल भी इसमें अपना जो सोल्डर यूज करते हैं वो सोल्डर इसमें जरा भी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो इसमें क्या होगा कि वो अगर सोल्डर मिक्स हो जाएगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है गलने का वो बहुत ज्यादा होता है, वो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, जबकि इसका जो टेम्परेचर होता है गलने का इस वाले सोल्डर का ये बहुत कम होता है, अबाउट 120 डिग्री टेम्परेचर पे ये गल जाता है और दोनों पत्तियां जो हैं ये बाहर आ जाती हैं। गलने का कारण जो होता है वो ये होता है कि हमारा जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड में चलता है या हाई वोल्टेज में या लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज दोनों तरह के वोल्टेज में क्या होता है कि यहां पे जो ये क्वाइल्स लगी हुई है कॉपर की क्वाइल, इनमें हीट पैदा होती है। अगर ज्यादा अगर देर तक वो रहता है, कम वोल्टेज अगर ज्यादा देर तक रहता है या हाई वोल्टेज ज्यादा देर तक रहता है, उस स्थिति में हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी ये बाइंडिंग है ये हीट होने लगती है। जब ये हीट होती है, चूंकि ये बाइंडिंग के बीच में ही इसका यहां पे ये माउंट होता है, तो ये भी उस टेम्परेचर
के कारण जो गर्मी होती है उस टेम्परेचर के कारण ये मेल्ट हो जाता है सोल्डर, तो ये अलग हो जाती है पत्तियां, तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको जलने से बचा लेता है। तो आपको इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे इस तरीके से दोनों पत्तियों को ऐसी चिमटी की सहायता से पकड़ना है, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन टच करना है। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ, आपको यही प्रोसेस दोहराना है। आप सबसे पहले अपना सोल्डिंग आयरन का टिप जो है इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, इसमें जरा भी सोल्डर रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से साफ कर लेता हूँ। अब इसके बाद भी हम थोड़ा सा अगर सोल्डर लगा हुआ है तो उसको ऐसे करके हम उसको साफ कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देना है, जरा भी इसमें सोल्डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी अशुद्धियां जाती हैं इस वाले सोल्डर की तो इसका जो गलने का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने सोल्डिंग आयरन की टिप बिल्कुल साफ कर दी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे, आपको चिमटी से पकड़ना है क्योंकि ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये मेल्ट होगा। तो अब हम इसको, आपने देखा कि मैंने जरा सा टच किया था और ये पूरा मेल्ट हो चुका था, तो आपको यहाँ पे जरा सा टच करना है और ये मेल्ट हो जाएगा और दोनों पत्तियां जो हैं इसकी ये आपस में जुड़ जाएंगी। इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना है आपको और ये जो पत्तियां हैं इसकी ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी, बस ये इतने पे ही वर्क करना चालू कर देगा। आप देख पा रहे हैं मैंने इसको थोड़ी देर टच किया है, बिल्कुल जरा सा आप टच करेंगे ये जरा से टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने मेल्ट कर दिया है और ये प्रॉपरली जुड़ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से उसी तरीके से वहां पे जहां पे ये माउंट है वहीं पे आपको माउंट कर देना है और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा काम कर रहा है। ज्यादातर जो वीगार्ड का स्टेबलाइजर होता है इस तरीके का, इसमें यही फॉल्ट आती है, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का इसमें सिस्टम दिया हुआ है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क करने लगा कि नहीं करने लगा। तो यहाँ पे सीरीज लाइन जो है हमारी उससे हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ टाइम बाद काम करना चालू करता है, ये काम इस समय कर रहा है। अब ये अगर हम दोबारा इसको टच करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि एक टाइमर इसमें सेट है, थोड़ी देर बाद ही ये काम करेगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं, यहां पे इसको टच करके ये देखिए ये काम कर रहा है, आपको साउंड रिले की कट होने की साउंड सुनाई दे रही होगी। तो यहां पे हम इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि आगे जो इसमें एलईडीज लगी हैं ये ग्लो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए मैं इसको सीधे माउंट कर रहा हूं अपने मेन सप्लाई में, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया है यहां पे। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये प्रॉपरली मेन सप्लाई आ रही है और आउटपुट ये जब ही निकालेगा जब एक टाइमर जो है इसका डिले टाइमर वो ऑन करेगा इसको। तो यहां पे इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा और इसके बाद ये आउटपुट सप्लाई जो है वो निकालने लगेगा। तो यहां पे टाइम जो इसको लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि ये सेफ्टी के हिसाब से होता है, अगर जरा भी ये अगर तुरंत अगर सप्लाई दे देता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बार बार सप्लाई कई बार क्या होती है, बार बार कट होती है और कट होने में बार बार अगर ये सप्लाई देगा फ्रिज को तो फ्रिज खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत प्रॉपरली वेल तरीके से बनाया गया है और ये बहुत अच्छा काम करता है और वीगार्ड का स्टेबलाइजर अच्छा माना जाता है। तो यहां पे अभी इसको थोड़ा सा डिले लगेगा क्योंकि इसमें डिले टाइमर लगा हुआ है, तो आउटपुट अभी तक इसने नहीं निकाला है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, कोई भी वीडियोस हो, जैसे मेरा ही नहीं कोई भी दूसरा आप वीडियोस देखते हैं, तो वो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप अगर लाइक करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे उस वीडियो का जो लाभ है वो सभी को मिल सकता है। तो इसने अभी तक आउटपुट सप्लाई जो है वो नहीं निकाली है और आउटपुट सप्लाई निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, लगभग इसमें हमें लगता है एक से डेढ़ मिनट दो मिनट तक का डिले टाइमर लगा हुआ है। पहली बार में तो ये सप्लाई दे देता है लेकिन अगर दोबारा ये वोल्टेज कट होता है तो दोबारा इसको टाइम लगता है सप्लाई आउटपुट करने में। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में ये आउटपुट सप्लाई देता है। तो यहां अभी तक इसने आउटपुट सप्लाई नहीं दी है, मेंस आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है और इसके लिए काफी देर इंतजार कर चुके हैं हम लोग। तो अभी तक इसने आउटपुट सप्लाई नहीं निकाली है, आपको दिख रही होगी ये अब आउटपुट सप्लाई इसने निकाली है, मतलब जो डिले टाइमर है इसका अब उसने इसको एक्टिवेट किया है कि ये बाहर से सप्लाई इसकी हम यूज कर सकें। तो इस तरीके से ये स्टेबलाइजर काम करता है और इसको रिपेयर करने का मैंने प्रोसेस बता दिया है। जनरली यही कमी आती है, अगर यहां पे अगर कोई कमी आती है तो उसके लिए मैं आगे अगर कोई फॉल्ट वाला ऐसा स्टेबलाइजर आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।